नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कराची शहर से बहुत ही दर्दनाक हादसे की खबर आई। वहाँ पे PIA का जो एयरक्राफ्ट है PK-8303 जो 90 यात्रियों को लेकर के जा रहा था वो क्रैश हो गया और लैंडिंग से एक मिनट पहले क्रैश हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब दो रनवे खाली करा लिया गया था, जो ATC और पायलट सज्जाद गुल के बीच में बातचीत है उसमें साफ साफ ATC कह रहा है कि दो रनवे खाली है, आप लैंड करा सकते हैं, तो पायलट ने लैंड क्यों नहीं कराया? दूसरी बात यह है कि पायलट बार बार मेडे 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 क्यों बोल रहा था, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल जो ATC और पायलट के बीच में बातचीत हुई है उस बातचीत को आप सुनिए। We'll are proceeding that, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Sir, mayday, 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 Pakistan 8303. Pakistan 8303, roger, sir. Both runways available to land. इस बातचीत में पायलट बोल रहा है कि हम जो है डायरेक्ट उसमें प्रोसीड कर रहे हैं। अब ये सवाल ये है कि फिर जैसा कि उन्होंने मलिक ने मिस्टर अरशद मलिक जो हैं PIA के CEO वो बोल रहे हैं कि गो अराउंड का पायलट ने करने का फैसला किया, यानी गो अराउंड पे जाने का। तो होता ऐसा है कि जब भी कोई संकट की स्थिति होती है तो ये अपनी सूझबूझ से पायलट को ही फैसला लेना होता है। और अब ये बताया जा रहा है जैसे कि डॉन की रिपोर्ट है कि पायलट ने लैंडिंग की कोशिश की थी, एक मिनट पहले का हादसा हुआ, लैंडिंग की कोशिश की थी लेकिन लैंडिंग करा नहीं पाया। तो जब पायलट लैंडिंग नहीं करा पाया तो उसके पास एक ही विकल्प बच रहा था कि वो गो अराउंड जाता, और उसने गो अराउंड जाने का फैसला किया। एक तो बात ही, अब इसकी जाँच हो रही है कि आखिरकार क्या परिस्थितियाँ थी, लेकिन यही परिस्थितियाँ प्राइमरी तौर पर निकल करके आ रही है। और दूसरी बात, वो मेडे मेडे इसलिए बोल रहे थे कि मेडे जो एविएशन की दुनिया का एक वर्ड है जिसका इजाद कि 1923 में किया गया था, और ये जिम्मेदारी दी गई थी, बताऊंगा कि मेडे क्यों बोल रहे थे, ये जिम्मेदारी दी गई थी उस समय 1923 में लंदन में ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल के वरिष्ठ रेडियो अफसर थे फ्रेडरिक स्टेनली मैकफोर्ड। तो उनसे ये कहा गया कि जब कोई ऐसी विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न हो, संकट की घड़ी हो, तो ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल ढूंढा जाए कि वो होना चाहिए जो ATC और पायलट के बीच में हो और वो समझ में आ जाए, क्योंकि ATC के ऊपर भी अपना वर्क प्रेशर होता है और पायलट के ऊपर भी होता है। तो उन्होंने ये शब्द मैकफोर्ड को जो शब्द सूझा था वो था एम एडर, और इसका मतलब है मेरी मदद करो, एम एडर ओरिजिनल वर्ड है। और फिर जो है ये इसका इस शब्द का अंग्रेजीकरण हुआ और एक्सेंट होते होते ये आ गया मेडे मेडे पे। तो जब भी कोई ऐसी संकट की परिस्थिति होती है, लास्ट मतलब एकदम सबके जीवन और एयरक्राफ्ट सब कुछ खतरे में है, तो तीन बार मेडे मेडे बोलना होता है। तो ATC और पायलट के बीच में जो बातचीत हो रही है उसमें तीन बार जो है पायलट ने मेडे मेडे बोला है, और उसके बाद जो है प्रोसीडिंग डायरेक्ट शब्द का भी इस्तेमाल किया है, इंजन लॉस्ट शब्द का भी इस्तेमाल किया। इसका मतलब कि पायलट के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, पायलट जो है सज्जाद गुल उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने लैंडिंग की कोशिश की, लैंडिंग नहीं करा पाए तो फिर गो अराउंड का फैसला किया। तो ये प्रिलिमिनरी तौर पे बातें निकल करके आ रही है, और इसको जो है डॉन ने जो है बताया भी है, और इसके बाद उनकी बातचीत भी ये सामने आ रही है। अब जांच हो रही है, जो वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्होंने कहा है कि इसको दिखवा रहे हैं कि आखिर क्या परिस्थितियाँ रही होंगी। बहरहाल बहुत दर्दनाक हादसा रहा और इन्हीं परिस्थितियों में पायलट को ये डिसीजन लेना पड़ा। एक बात और आ रही है कि पायलट ने चूंकि रिहायशी बस्ती थी इसलिए बचाने की पूरी कोशिश की, उन्होंने दूर ले जाने की कोशिश की थी विमान को, लेकिन शायद वो ले नहीं जा पाए। और दूसरा सवाल अब इसी के साथ उभर रहा है कि जब 1 किलोमीटर दायरे का, यानी कि जो एयरपोर्ट था वो 1 किलोमीटर के दायरे में ही था, तो फिर इतने जो मकान बने हुए हैं 2 मंजिला 3 मंजिला नियमानुसार एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं बन सकता। अब इसकी अलग से जाँच होगी। तो चाहे ये परिस्थितियाँ थी वहाँ पर। अब देखते हैं आगे जो भी इसमें रिपोर्ट मिलेगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।